अवसरों की धरती है। दुनिया भर के लोग भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2022 में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हमारे कर्नाटका को हुआ। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कई सौगात दी है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस जो है उनकी कब्र खोदने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथी मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे हैं और मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बनाने में व्यस्त है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। हमारा देश अवसरों की धरती है। दुनिया भर के लोग भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2022 में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हमारे कर्नाटका को हुआ। कोरोना काल के बावजूद कर्नाटका में लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये डबल इंजन सरकार की मेहनत दिखाता है। इवत्तु नम्म देश अवकाशगळ भूमियागि परिवर्तने आगिदे। जगत्तिन एल्ल जनरु भारतदल्लि ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ। ಇದು ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಐಟಿ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ತಕ್ ಹರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ। ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಔರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಿವೇಶ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ। ಅಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक माहिति तंत्रज्ञान होरतागि बयोटेक्नोलॉजी प्रारंभगोंडु रक्षणा उत्पादनेयल्लियू वलयदल्लियू विस्तारवन्न वेगवन्न पड़ेदिदे। रक्षणा वलय विमान वलय अदे रीति बाह्याकाशगळ वलयदल्लि ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಇನ್ ಪ್ರಯಾಸೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈನ್। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ತೋ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ಸರ್ ಪೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। डबल इंजिन सरकार प्रयत्न कांग्रेस कांग्रेस मोदी समाधिया कनस कांग्रेस मोदी समाधिया अगियुवंत ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೋದಿ ಬಡವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಕಿ ಕಬ್ರ ಖೋದನೆ ಕಾ ಸಪನಾ ದೇಖ ರಹೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಯೋ ಕೋ ಪತಾ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ದೇಶ ಕಿ ಕರೋಡೋ ಮಾತಾಓ ಬಹನೋ ಬೇಟಿಯಾ ದೇಶ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋದಿ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಹೈ. ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಅಗೆಯುವಿಕೆಯ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಈ ದೇಶದ ಮಹಾಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋದಿಯ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही कांग्रेस को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के लिए कहा गया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम बातें कही. आपको बता दें कि कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब के समय में उन्होंने गरीब आदमी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. जो पैसा गरीब के विकास के लिए था उसके हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिए. कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है. किसानों की छोटी छोटी समस्या दूर करके भी भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्या का समाधान कर रही है. मांड्या के भी 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में पैसे भेजे गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये बातें कही गई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए बहुत काम किया है, मजदूर वर्ग के लिए बहुत काम किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल देश को लूटने का काम किया है. ये जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही. अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं. उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं से करोड़ों गरीबों का जीवन आसान हुआ है. कांग्रेस के शासनकाल में गरीब को सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे. हमारे देश में दशकों से सिंचाई के जो प्रोजेक्ट लटके थे उसे भी तेजी से पूरे कर रहे हैं. इस साल बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. इससे कर्नाटक के बड़े हिस्से में सिंचाई से जुड़ी परेशानियों का समाधान होने वाला है. हमने तय किया कि गन्ने से बनने वाले इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएंगे, यानी गन्ने की ज्यादा पैदावार होने पर उससे इथेनॉल बनाया जाएगा. इथेनॉल से किसान की आय सुनिश्चित की जाएगी. तो किसानों को सौगात देते हुए उन्होंने ये जो अपने भाषण में ये बातें कही और इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई. आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं. इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़.